अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज झज्जर शहर में राजनीति से ऊपर उठकर सभी पार्टी के नेताओं ने हिंदुस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए भाईचारे की एक मिसाल पेश करते हुए हिंदुस्तान का एक सच्चा नागरिक होने की बात की है। सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने शहर भर में प्रदर्शन किया और भारत द्वारा पाकिस्तान पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक 2 का भरपूर समर्थन करते हुए कहा कि नापाक इरादे रखने वाले पाक को ऐसे ही जवाब देना चाहिए। आज झज्जर में कांग्रेस नेताओं ने हर न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि आज सभी राजनीतिक दलों को राजनीति से ऊपर उठकर देश हित के बारे में बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दल आज मौजूदा सरकार के साथ है और जो मौजूदा सरकार ने पाकिस्तान को जवाब देने के लिए कदम उठाया है वह भी उचित है और आने वाले समय में ऐसे ही कदम उठाने चाहिए। आइए आपको दिखाते हैं कि कांग्रेस नेताओं ने क्या कहा। सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से, अपने कांग्रेस पार्टी की तरफ से, अपने सारे साथियों की तरफ से, जो हमारे जवान शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और सलूट करता हूं उस भारत माता के सपूत लाडलों को जिनकी वजह से हिंदुस्तान, पूरा देश सुख की नींद सोता है और वो हमारी रक्षा के लिए देश की सीमा पर लड़ते हैं। आज कल जो हमला आतंकवादियों के ठिकानों पर हमारी फोर्सेज ने किया, हमारे जवानों ने किया, मैं उनको बधाई देता हूं। और जो हमारे 51 जवान शहीद हुए, आज उन्होंने उनके 300 आतंकवादी को मार के उन जवानों की शहादत को बेकार नहीं जाने दिया और उनकी बदला लिया। जैसे भाई सुभाष ने कहा, हम ये चाहते हैं कि देश में शांति रहे। हम इस पक्ष में नहीं हैं क्योंकि कोई भी युद्ध होता है, कोई भी हर देश उसे पीछा जाता है, पर पाकिस्तान की सोच बहुत छोटी सोच है। उनके पास ना खाने के लिए दाने हैं, ना पीने के लिए पानी है, ना लड़ाई के लिए कोई उनकी प्लान है, पर उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि हम भारत को कैसे परेशान किया जाए। और हम इस आपके माध्यम से मैं एक बात कहना चाह रहा था, हिंदुस्तान के जो जवान हैं इसमें कोई किसी का वो नहीं होता, जो हमारे देश के जो जवान हम उनको सलूट करते हैं क्योंकि देश का जवान इस देश की रक्षा करता है, अपने प्राणों की आहुति देकर अपनी साथ देता है। इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी की कोई हो, इसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई वो नहीं होता, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो देश के शहीद हैं, देश के जवान हैं, जो हमारी रक्षा करते हुए साथ देते हैं। दुख तो उनको होता है जिसका पति चला जाता है, जिस माँ का बेटा चला जाता है, जिस बहन का भाई चला जाता है, पर हमारे देश की एक परंपरा है, जिस भी परिवार का भाई शहीद होता है तो हमारी माँ, बहन, बेटी सब एक ही बात कहते हैं कि इस पाकिस्तान को सबक सिखाओ। और हमारे परिवार में इनके अगर उनका बेटा भी होता है तो वो ये कहते हैं कि हम अपने बेटे को भी सेना में भर्ती करें, तो इससे गर्व की बात हिंदुस्तान के लिए कुछ नहीं हो सकती। और मैं आपके माध्यम से पाकिस्तान मुर्दाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद, क्योंकि हमारी सेना है वो जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी। मैं सबसे ज़्यादा, मैं किसी भी को सिरे नहीं, मैं सिरे देता हूँ इंडियन आर्मी को, इंडियन एयरफोर्स को, इंडिया के जवान हूँ, उनको सलूट करता हूँ। उनका सिरे इन्हीं को जाता है और वो देश की रक्षा करते हैं, ना कि कोई नेता। और नेता जो बयानबाजी करें, कुछ भी करें, अगर एक दिन पता लग जाए सीमा पर जाके एक रात खड़ा होकर देखे, तो नेताओं को ये पता लग जाए कि असली ताकत देश की क्या है। तो इस देश की ताकत को मैं सलाम करता हूं, अपनी पार्टी की तरफ से सलाम करता हूं। और इस वक्त पूरा देश, पूरे 36 बरादरी निशोरी सभी पार्टियां अपने जवानों के साथ खड़ी है उनके हौसलाई के लिए। जो भी हमारी जिस तरीके की हमारी पार्टी की तरफ से जो जिम्मेवारी भी लगेगी, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े हैं। और देश के जवानों को फिर हम सलूट करते हैं जिन्होंने पाकिस्तान को नाते चले चबाए। आज जिस तरीके से पाकिस्तान का एक विमान गिराया, हमारे देश के जवान हर तरीके से उनसे लड़ने के लिए सक्षम है। मैं देश के जवानों को सलूट करता हूं, पुनः आपके माध्यम से उनको बधाई देता हूं जिस तरीके से हमारे शहीदों का उन्होंने बदला लिया। और उम्मीद भी है कि पाकिस्तान अगर हमारी तरफ आग उठाएगा तो हमारे फौजी उसके घर में घुस के मारेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। आज सच्ची श्रद्धांजलि दी गई है पूरे झज्जर शहर के अंदर, स्कूलों के द्वारा भी रैली के माध्यम से पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए हैं, इसके बारे में आप कहें।
देखिए हिंदुस्तान में रोष है और ये आम आदमी इसको पॉलिटिकल मुद्दा ना बना के आम आदमी की एक एक ही आवाज़ है। जिस दिन हमारे 51 भाई सही 40 एक साथ 42 एक साथ जिन्होंने शहादत दी उस दिन हमारे देश का बच्चे बच्चे की आंखों में आंसू था और हर बच्चे हर इंसान की आंखों में खून भी था कि पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं। इसमें पूरे लोगों ने आज खुशी जाहिर की, इसीलिए तो लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए और देश की आर्मी को सभी फोर्सेज को लोगों ने सलूट भी किया है और उनका हौसला बढ़ाने के लिए आज लोगों ने मार्च भी निकाले हैं, लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए हैं और इससे हमारे फौजी भाइयों का हौसला बढ़ता है जो हमारे लिए लड़ते हैं, इस देश की रक्षा करते हैं। तो मैं इस बात के लिए सारे देशवासियों का धन्यवाद भी करता हूँ इस समय जो हम अपने फौजी भाइयों के साथ खड़े हैं, तो इसलिए मैं देश का धन्यवाद करता हूँ। आज शहादत को नमन किया है हमारे सैनिकों ने, बताएंगे। आज जिस प्रकार से पूरे शहर के अंदर सभी राजनीतिक दलों ने राजनीति छोड़ करके देश प्रेम की भावना से जो शहर में प्रदर्शन किया उसका मेन मुख्य कारण यही था कि आज से पहले जो हमारे 40 सैनिकों को मार गिराया था वो शहीद हुए, लेकिन उसी दिन हमारे सैनिकों ने अपने मन में ये बात ठान ली थी कि हम समय देख करके इनका बदलाव से लेंगे। आज पूरे देश के अंदर हमारे उस बहादुर सैनिकों के ऊपर गर्व है कि उन्होंने ये बदला बेखूबी से लिया है। हमारा आज का प्रदर्शन का मुख्य कारण ये था कि हम ये चाहते थे कि सेना के प्रति जो हमारे लोगों के अंदर एक उत्साह एक प्यार है, हमारे उस प्यार से हमारे उस हौसले से उनका हौसला अफजाई हो और हमारे सैनिकों के दिमाग में भी ये बात आए कि हमारा सारा देश राजनीतिक पार्टी को छोड़ करके हमारे साथ है, एकजुटता से हमारे साथ है। हमारा मेन मकसद आज का यही था कि उन सैनिकों को जो मारे गए थे उनको श्रद्धांजलि पहले दी जा चुकी थी, लेकिन जो कारनामा आज करके दिखाया उनकी शाबाशी देनी भी बहुत ज़रूरी थी, उनका हौसला बढ़ाना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए ये सर्वदलीय आज का प्रोग्राम रहा। सुनील जी बताएंगे आज जो प्रदर्शन हुआ है सैनिकों को शहादत दी गई है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जो पुलवामा के अंदर हमारे सैनिकों के ऊपर आतंकवादी जो हमला किया गया था जिससे हमारे 40 से ज़्यादा सैनिक शहीद हुए, उससे पूरे देश में रोष था, हर जगह ये रोष प्रदर्शन हुए और वो ज़रूरी था कि उसका बदला ले, पूरा देश ये चाहता था। और जो इससे हमारे जो भारत की सरकार ने जो फैसला लिया और हमारे सैनिकों ने जो बहादुरी से कारनामा किया है जिससे हमारी वायुसेना को वो हम बधाई देते हैं, जो आतंकवादी ठिकानों पर हमला करके और उनको सच्ची श्रद्धांजलि हमारे सैनिकों को दी है, इसके लिए हम राजनीति से ऊपर हट के देश सबसे पहले है। राजनीति तो अपने यहाँ होती रहेगी लेकिन भारत सरकार देश के हित के लिए कोई भी फैसला लेती है और आगे भी और कठिन फैसले लेने चाहिए ताकि पाकिस्तान का तो उसका तो काम है रोज रोज देश को परेशान करना, उसके पास खुद का कुछ नहीं है इसका, ना उसका लड़ाई लड़ने का भी होता है ना और कुछ है। तो हम इसमें जो है सरकार के साथ है और हम इसको सच्ची श्रद्धांजलि मानते हुए और पूरे देशवासियों का भी हम धन्यवाद करते हैं कि सैनिकों का जो उत्साह बढ़ाया है। बताएंगे आज जो प्रदर्शन हुआ है शहीदों को शहादत दी गई है, क्या कहना चाहेंगे? संजय जी मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में रोष है, जो दो चार रोज पहले हमारे शहीद भाई इतनी भारी संख्या में एक साजिश के तहत इतनी भारी बमबारी करके पूरा देश में रोष था, आज जज्जर ही नहीं सब हेडक्वार्टर्स पे आजकल ये रोज प्रदर्शन होने लग रहे थे, उसका बदला कल मंगलवार को सुबह 3:30 बजे हमारी फोर्स ने एक मिशन बना के और अपना नुकसान भी नहीं आया देश को और उनको ये भी जता दिया कि भाई हम किसी भी प्रकार की स्थिति से निमड़ने के लिए तैयार हैं। उनकी हरकतें बेकार की हर रोज होती रहती है, उसका बदला लेना बहुत ज़रूरी था और आगे भी अगर वो इस तरह की कोई हरकत करेंगे तो हम
हमारे जवान ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे, ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे और देना भी चाहिए। सुभाष जी बताएंगे जो हमारे जवान शहीद हुए थे उसके ऊपर जो कार्रवाई की गई है तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो जो हमारे शहीद हुए उनका हमें बड़ा दुख था और उसका जो बदला लिया गया है उस बात पर आज पूरे देश में खुशी है और उस दिन ज़्यादा खुशी होगी जिस दिन 40 के बदले 4000 पाकिस्तान के लोग मार गिराए जाएंगे। और हम इस घड़ी में पार्टी की बात न करते हुए हम देश के साथ हैं और सरकार के साथ हैं और आज इसका नमूना हमें आज झज्जर शहर में सभी पार्टी के सभी समाज के सभी लोगों ने कि इकट्ठे होकर आज पूरे शहर में हमें एक खुशी की यात्रा निकाली और आगे भी हम जितना हमारा भी कहीं पार्टी तरफ से अपनी तरफ से जहां भी सहयोग होगा हम सरकार के साथ रहेंगे। झज्जर से गौरव के साथ संजय थरान की रिपोर्ट, हर न्यूज़ हरियाणा।